दोस्तों, राजस्थान का विधानसभा चुनाव लगातार उलझता जा रहा है। चुनाव आयोग के जैसे नए नए आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, उससे मामला और कंफ्यूज होता जा रहा है। अब एक ताजा आंकड़ा जो चुनाव आयोग का आया है, उससे तो लगता है कि पूरा चुनाव ही पलट सकता है। जितने प्री पोल सर्वे आए हैं, सबके सब गलत साबित हो सकते हैं। आखिर क्या है चुनाव आयोग का नया आंकड़ा, जिसके आधार पर कुछ विशेषज्ञ इस तरह की राय जाहिर कर रहे हैं, इसकी विवेचना करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मोटे तौर पर पहले चुनाव आयोग ने कहा, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। पिछली बार 74 पॉइंट समथिंग, इस बार 75.45%। तो स्वाभाविक तौर पर लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू किया पिछले 4 बार के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखकर कि जब जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी के पक्ष में जाता है, घटता है तो कांग्रेस के पक्ष में जाता है। लेकिन क्या कहानी ऐसी ही है? अब नया आंकड़ा सामने आया है चुनाव आयोग का, जिसको लोक नीति के CSDS लोक नीति के प्रोफेसर, जयपुर के कोऑर्डिनेटर हैं संजय लोढ़ा प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने अध्ययन किया है और इनका अध्ययन बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ये बताता है कि SC ST यानी दलित, आदिवासी और मुस्लिम इलाकों में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। और ये मतदान प्रतिशत क्यों बढ़ा है, इसकी उन्होंने अपनी तरफ से व्याख्या की है। देखिए, कुल मिलाकर 34 SC सीट है दलितों की, 25 ST सीट है। हालांकि 32-33 पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने उम्मीदवार शेड्यूल ट्राइब सीटों, जो जनरल सीट पर भी कुछ ज्यादा सीटों पर शेड्यूल ट्राइब के उम्मीदवार दोनों ने उतारे। इसके अलावा 9% मुसलमान है, लेकिन माना जाता है 40 सीटों पर असर करता है। तो ये मोटे तौर पर 100 सीटें हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और दलित और आदिवासी बहुल सीटें हैं जिनको सुरक्षित सीट के अंदर नहीं माना गया है, तो ऐसी सीटें 15-20 हैं। तो कुल मिलाकर 110-115 सीटें ऐसी हो जाती हैं। अब यहां क्या हुआ है कि यहां पर पोलिंग परसेंटेज सामान्य से पिछली बार से 5% ज्यादा रहा है, और एवरेज इस बार जो 75.45 है उससे भी ज्यादा रहा है। 75 से 80% के बीच में 100-110 सीटों में मतदान हुआ है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? आखिर SC ST और मुसलमान, ये क्या बीजेपी के पक्ष में वोट देने सामने आया है, या ये बढ़ा हुआ मतदान SC ST और मुसलमान बहुल सीटों में या प्रभावित वाली सीटों का ये इशारा कर रहा है कि ये जो बेनिफिशरीज हैं, जो बेनिफिट मिल रहा था अशोक गहलोत सरकार के समय में और जो 7 गारंटी है, उस पर भरोसा करके वोट देने कांग्रेस के पक्ष में सामने आया है। ये आंकलन प्रोफेसर संजय लोढ़ा का है। देखिए, कुल मिलाकर जो SC ST हैं खासतौर से, और मुसलमानों में भी पसमंदा वर्ग है, वो ज्यादा गरीब है, तो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में अगर वो आते हैं तो उनको ज्यादा मुनाफा होता है, ज्यादा उनको सहूलियत होती है। जैसे मान लीजिए SC ST में 2000-4000 रुपए का आपको हर साल सारी योजनाओं का मिलाकर फायदा हो रहा है, हर महीने 4-5 हजार रुपए का फायदा हो रहा है, तो वो संपन्न लोगों को इस फायदे का कोई मतलब नहीं रहता, या कमिटेड वोटर को मतलब नहीं रहता। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से SC ST इलाकों में, मुसलमानों के इलाकों में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत राहत की खबर होती है। फिर क्या होता है कि आमतौर पर जो स्कीम होती है सरकार की, उसमें जनरल स्कीम कम होती है, यानी सब इकसार लाभ मिले। जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना सबको लाभ मिला, लेकिन उज्ज्वला के तहत तो उज्ज्वला वाले ही आए। बहुत सारे ऐसे जो स्कीम होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनको टारगेटेड होती हैं, SC के लिए होती हैं, ST के लिए होती हैं, आमतौर पर BPL के लिए, और SC ST का बड़ा हिस्सा BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या 100 सीटों पर जहां 75 से 80% मतदान हुआ है, वहां अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मतदान बढ़ा हुआ ये संकेत दे रहा है कि अशोक गहलोत की गारंटी से, उनकी योजनाओं से प्रभावित होकर लोगों ने वोट दिया, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।
बीजेपी के लोग तर्क दे सकते हैं कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि अशोक गहलोत की योजनाओं का ही फायदा मिला है, प्रधानमंत्री की शौचालय वाली, उज्ज्वला वाली, उजाला वाली, जल जीवन मिशन के तहत हर घर घर हर घर के लिए नल, नल के लिए जल की स्कीम, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तमाम योजनाएं, इनका भी तो लाभ मिल सकता है, इस कारण भी तो वोटर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है SC ST का और मुसलमान वोटर। लेकिन लेकिन एक पेच है, ये पुरानी योजनाएं हैं जल जीवन मिशन को छोड़कर। इसके तहत SC ST और मुसलमानों में भी एक वर्ग पहले वोट दे चुका है बीजेपी को, एक बार, कई कई जगह 2 बार। लेकिन अशोक गहलोत की नई योजनाएं हैं, चलती हुई योजनाएं हैं, जिससे प्रधानमंत्री की योजनाओं से ऊपर उनको आर्थिक लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मिला है। और फिर 7 गारंटी हैं, जो बीजेपी की जो गारंटियां हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा एज लिए हुए हैं। तो क्या ये मतलब निकाला जाए? प्रोफेसर संजय लोढ़ा जैसा बता रहे हैं, अगर 100 सीटों में ये हाल है तो फिर एक बार मैंने पहले कहा, बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। आगे ये कह रहे हैं कि बीजेपी अर्बन इलाकों में जैसा पोलराइजेशन चाहती थी, जैसा ध्रुवीकरण चाहती थी, वैसा करने में कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि अर्बन क्षेत्रों में बिलो एवरेज वोटिंग हुई है। अगर बिलो एवरेज वोटिंग हुई है तो हम मानकर चल रहे हैं कि वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है, और अगर पोलराइजेशन वाली जो अर्बन सीट्स हैं वहां पर भी बिलो एवरेज वोटिंग हुई है, 4, 5, 6, 10, 8, 10 सीटों को छोड़कर, तो बाकी तो फिर बड़ा सवाल उठता है कि फिर ये क्या बीजेपी को इससे घाटा हो रहा है, या बीजेपी पोलराइजेशन ध्रुवीकरण में कामयाब नहीं हुई, ध्रुवीकरण में कामयाब नहीं हुई तो क्या दूसरी तरफ से ध्रुवीकरण में कांग्रेस कामयाब हो गई है, ये एक बड़ा सवाल होता है। संजय लोढ़ा ने कहा है अखबार में छपी एक खबर के अनुसार कि 50+ सीटें ऐसी हैं जहां पर 65 से 70% ही वोटिंग हुई। ये सीटें कहां की हैं? 65 से 70% वोटिंग, एवरेज क्या है? 75.45, 76, 75.45, करीब 76%। और वो वोटिंग 50+ सीटों में कितनी हुई? शहरी इलाकों की। और इसमें भी शहरी इलाकों में कौन सी सीटें हैं? ये पश्चिमी राजस्थान की हैं, ये मध्य राजस्थान की हैं, सेंट्रल राजस्थान की और वेस्टर्न राजस्थान की है, जहां पर बीजेपी अपने आप को शहरी इलाकों में मजबूत मानकर चल रही थी, जहां वो पोलराइजेशन की पर पूरी तरह से निर्भर थी, और सैफरन पार्टी का, जो भगवा पार्टी है, जिसका एक इन्फ्लुएंस है, जो अखबार कह रहा है। और अगर यहां पर 65 से 70% बिलो एवरेज पोलिंग हुई है तो इसका मकसद क्या है? इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा? फायदा तो बिल्कुल नहीं होगा, जो अगर आंकड़े सही हैं और उसी रूप में वोटिंग हुई है तो। आगे वो कह रहे हैं कि ये जैसे बांसवाड़ा की कुशलगढ़ सीट है, वहां पर सबसे ज्यादा पोलिंग हुई, 88.13%। ये ट्राइबल सीट है, यहां 90% से ज्यादा ट्राइबल है, तो 90% से ज्यादा ट्राइबल है, 88.13% पोलिंग हुई है, और ऐसे में स्वाभाविक है कि ये पोलराइजेशन के कारण नहीं हुई है, ध्रुवीकरण के कारण आदिवासी इलाके के अंदर लोग वोट देने बीजेपी के पक्ष में नहीं गए होंगे, वो गए होंगे, स्वाभाविक है, गारंटियों के कारण, बेनिफिशरीज के कारण, बेनिफिशरी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के कारण गए होंगे, ये मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि कुशलगढ़ सीट को एक बांसवाड़ा को एक प्रतीक के रूप में लिया गया है, और ऐसा जरूरी नहीं है दूसरी सीटों पर हो, लेकिन अगर दूसरी सीटों पर भी ऐसा ही हो रहा है ट्राइबल सीट्स पर, जैसा कि वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटें हैं SC ST मुस्लिम सीट हैं जहां पर अबो एवरेज वोटिंग हुई है, तो फिर क्या कांग्रेस जैसा कह रही है कि 90 से 100 के बीच में सीटें आ जाएंगी, और डोटासरा साहब का बयान छपा है और वो सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, तो क्या इस तरफ कहानी जाती हुई दिख रही है? ये एक अपने आप में दिलचस्प सवाल है। इसके साथ साथ देखिए, शहरी इलाकों में बीजेपी को मजबूत माना जाता है, ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को मजबूत माना जाता रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह ये चीजें टूटी भी हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये कहा जाता है। अब एक नया आंकड़ा देखिए चुनाव आयोग का, जो भी टिल्ट करता है चुनाव, हो सकता है त्रिशंकु की तरफ चला जाए। कैसे?
कुल मिलाकर 3,92,11,399 वोट डाले गए, जो पिछली बार से 30,26,000 वोट ज्यादा हैं। इस बार 3,02,00,000 से ज्यादा ग्रामीणों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और 89.37 लाख से अधिक शहरी मतदाताओं ने इस्तेमाल किया। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 75.78% वोटिंग हुई और ग्रामीण इलाकों शहरी क्षेत्रों में 71.23%, ग्रामीण इलाकों में 75.78%, शहरी इलाकों में 71.23%, यानी गांव में शहरों के मुकाबले 4.43% अलग ज्यादा मतदान हुआ। और गांव में ज्यादा लोग कौन रहते हैं? एससी के, एसटी के, पसमंदा मुसलमान। तो फिर वही प्रोफेसर संजय लोढ़ा का जो तर्क है, उस तर्क से ये तर्क थोड़ा थोड़ा अगर मिलान कर दिया जाए तो फिर वही सवाल उठता है कि क्या बेनिफिट सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के चलते इस बड़े वर्ग ने 100 से ज्यादा सीटों में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को प्रेफरेंस दी है। अब आप कहेंगे इस हिसाब से तो कांग्रेस को जीत जाना चाहिए, लेकिन 80 से ज्यादा सीटें ऐसी रही, यहां त्रिकोणात्मक मुकाबला रहा, 108 सीटों पर ही आमने सामने का मुकाबला हुआ है। तो यह बढ़ा हुआ मतदान जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के हिस्से में गए, जाति के समीकरण चले होंगे कहीं ना कहीं, तो वो अपनी जाति के लोगों को भी ये इस वर्ग ने वोट दिया होगा। जहां चतुर्श्रोणीय का मुकाबला है वहां पर तो और ज्यादा मामला फिर उलझ सकता है, हालांकि वो सीटें कम है, सीटें कम है। तो ये राजस्थान का चुनाव क्या फिर पलटता हुआ नजर आ रहा है, अपने आप में बड़ा दिलचस्प सवाल है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी थोड़ी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, मैं आभारी हूँ उसके लिए जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं। और एक्स पर यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही7 के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही7 के नाम से हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है, पेज पर जाइएगा प्लीज़, पेज पर विजय विद्रोही पेज मेरा फेसबुक पर है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।